ये आए तो थे एक्टर बनने, विधिवत तरीके से एक्टिंग की ट्रेनिंग भी ली, पर मकबूलियत हासिल हुई बतौर डायरेक्टर। हम बात कर रहे हैं महान फिल्म मेकर सुभाष घई के बारे में। जन्म 24 जनवरी सन 1945 में हुआ। इनके पिता एक जाने माने डॉक्टर थे और इनका बचपन अपने नाना नानी के बीच बीता नागपुर शहर में। अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए ये दिल्ली पहुंच गए और उसके बाद हरियाणा के रोहतक शहर से इन्होंने कॉमर्स की डिग्री ली। स्कूल के दिनों में ही सुभाष घई ने नाटकों में काम शुरू किया था और यूनिवर्सिटी में भी इन्हें गोल्ड मेडल मिला था बतौर बेस्ट एक्टर। चलो यार, मुसीबत तो चली। मन बना लिया था कि एक्टिंग तो करनी ही है, पर पिताजी ने जोर दिया था कि पहले पढ़ाई करो, उसके बाद एक्टिंग के मामले को भी देखेंगे। कोर्ट के लॉज, बायलॉज, रूलिंग एक्ट सभी मेरी उंगलियों पर धरे पड़े हैं। सुभाष घई साहब बतौर रेडियो एक्टर भी काम करना चाहते थे। रेडियो ड्रामास के लिए ये पहुंचे तो सही रेडियो स्टेशन में, लेकिन वहां का सन्नाटा देखकर ये घबरा गए और सुभाष घई के मुंह से डायलॉग ही नहीं निकले। अलबत्ता इन्हें एक चिट्ठी जरूर मिली जिसमें लिखा गया था कि आप इस एग्जाम में फेल होते हैं। वहां पर जरूर सुभाष घई फेल हुए, पर जिंदगी की बाजी में ये जीतते गए। जब इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की तब इनके पिता ने इनसे कहा कि बेटा जाओ पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में कोशिश करो, अगर तुम्हारी बात बन जाती है तो प्रॉपर ट्रेनिंग लो और फिर फिल्मों में ट्राई करो। सुभाष घई हैरान थे कि वो पिता जो अभी तक मुखालफत कर रहे थे और कह रहे थे कि एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, वही चाहते हैं कि मैं प्रॉपर ट्रेनिंग लूं और फिर फिल्मों में आऊं। और उसके बाद FTII के एग्जाम में सुभाष घई पास हुए, बतौर एक्टर ट्रेनिंग पूरी की और फिल्मों में कूद पड़े। तकरीबन 5-6 फिल्मों में इन्होंने बतौर एक्टर काम किया, जिसमें राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म तकदीर का नाम सामने आता है। 1967 की इस फिल्म में सुभाष घई ने एक अच्छा किरदार निभाया था और उसके बाद फिल्म आराधना में ये नजर आए नौजवान राजेश खन्ना के दोस्त के रूप में। ये भी एक एयरफोर्स पायलट बने थे। जब मैं आ गया हूँ तो वो भी जरूर आएंगे। पहले प्रकाश आता है फिर सूरज निकलता है, देखिए वो रहा आपका सूरज। 70 के दशक में ये कुछ फिल्मों में बतौर हीरो भी नजर आए, पर चूंकि मेकअप बहुत खराब होता था और डायरेक्शन भी थोड़ी अच्छी नहीं थी, लिहाजा सुभाष घई का काम अच्छा होने के बावजूद कोई मकबूलियत इन्हें नहीं दिला पाया। कैप्टन साहब, इस वक्त आपकी मदद की बहुत सख्त जरूरत है। देखिए ना, हमारे हाथ में एक सुनहरी मौका आया था, वो निकल गया। इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड रेहाना, जो बाद में मुक्ता बनी, उनसे वादा किया था कि पहले कुछ बन जाऊं तब शादी करूंगा, और जैसे इन्होंने बतौर हीरो फिल्म में साइन की, एक मैनेजर भी रख लिया, तब इन्होंने शादी कर ली। काम चल नहीं रहा था और इनका झुकाव धीरे धीरे स्टोरी राइटिंग की तरफ बढ़ा। मशहूर मारू प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर प्रकाश मेहरा ने सुभाष घई से कहानी खरीदी। हालांकि सुभाष घई ने शर्त रखी थी कि इस कहानी का हीरो मैं रहूंगा और ये कहानी आपको फ्री, पर प्रकाश मेहरा ने कहा कि मुझे एक बड़ी स्टार कास्ट के साथ काम करना है सुभाष, मैं एक कहानी खरीद रहा हूँ, मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। और ठीक वैसा ही हुआ, कहानी प्रकाश मेहरा ने खरीद ली। वहां से सुभाष घई ने रुख स्टोरी राइटिंग की तरफ कर दिया। इस वजीर को बचाने के लिए आपने अपना बाशा खुला छोड़ दिया, ये चेक एंड मेट। धराल साहब, ये बाजी तो आप हार गए। अपने जमाने के महान प्रोड्यूसर सिप्पी साहब तक ये बात पहुंची कि सुभाष घई के पास कई कहानियां हैं, पर सुभाष घई साहब ने सिप्पी साहब से मिलते ही कह दिया कि अभी तो एक कहानी अवेलेबल है जिसे दो प्रोड्यूसर पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं, मैं नई कहानी लिखता हूं उस पे आप फिल्म बनाइएगा। पर प्रोड्यूसर साहब ने जोर दिया और कहा कि यही कहानी मुझे सुनाओ। वो कहानी सुनाई गई और वो फिल्म बनी कालीचरण, जिसे डायरेक्ट भी सुभाष घई ने ही किया। कालीचरण के बाद सुभाष घई ने कभी पलट के नहीं देखा। इस दुनिया में एक आम आदमी अच्छा नागरिक नहीं बन सकता है, समझे? कालीचरण, विधाता, कर्ज, हीरो, मेरी जंग, कर्मा, राम लखन, एक लंबी लिस्ट है सुपर डुपर हिट फिल्म्स की। जब खेल है बस तकदीरों का। सुभाष घई की फिल्मों का संगीत भी एक से बढ़कर एक रहा, चाहे वो मेरी जंग रही हो, राम लखन, सौदागर, हीरो या फिर कर्ज। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे।
फिल्मों में बतौर डायरेक्टर सफलता पाने के बावजूद सुभाष घई बड़े बड़े स्टार्स से जरा दूर रहना चाहते थे। एक बड़ा अजीब सा माहौल ये देख रहे थे। स्टार्स ने अपनी कीमतें बहुत बड़ा रखी थी और डेट्स भी कम देते थे। ऐसे में सुभाष घई ने सोचा कि मैं एक नए लड़के और नई लड़की के साथ काम करूंगा और फिल्म हीरो का निर्माण हुआ, जिसमें जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री नजर आए। फिल्म हीरो 4 हफ्ते के लिए फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि उसी वक्त ही रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म कुली। बच्चन साहब को चोट लगी थी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान, और जब ये रिलीज हुई तब बहुत भीड़ उमड़ी कुली फिल्म को देखने के लिए, और इसी चक्कर में हीरो फ्लॉप साबित हुई। पर 5वें हफ्ते से लोगों ने हीरो देखनी भी शुरू की और फिर 75 हफ्तों तक हीरो पर्दे से नहीं उतरी। बदलते वक्त के साथ सुभाष घई भी बदले। जहां एक तरफ वो वेटरन्स के साथ काम कर रहे थे, जिसमें दिलीप कुमार साहब और राजकुमार साहब का नाम सामने आता है, वहीं दूसरी तरफ ये और भी नए नए एक्टर्स के साथ काम करते रहे, चाहे वो जैकी श्रॉफ या अनिल कपूर रहे हों, या फिर मीनाक्षी शेषाद्री या माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, अक्षय खन्ना या शाहरुख खान। बहुत सी नई हीरोइंस को भी इन्होंने ब्रेक दिया। और फिर वो वक्त भी आया जब इन्होंने डायरेक्शन कुछ वक्त के लिए बंद की और ये सिर्फ बतौर प्रोड्यूसर ही नजर आए, जैसे कि फिल्म एतराज, इकबाल, 36 चाइना टाउन। मुझे तुम्हारा ये थप्पड़ भूलेगा नहीं, भूलना चाहिए भी नहीं। इकबाल के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इश्यूज कैटेगरी के लिए। सुभाष घई साहब को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था फिल्म सौदागर के लिए। ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू? और बेस्ट स्क्रीन प्ले का फॉर कालीचरण। ये सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। यूं तो अवार्ड्स की फेहरिस्त बहुत लंबी है, पर ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि सुभाष घई साहब ने कमर्शियल सिनेमा में जबरदस्त योगदान दिया है। ये सब तकदीर के खेल है। हाँ। तकदीर वकदीर कोई चीज नहीं है, तकदीर है सब, तकदीर बस का काम। भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर सुभाष घई का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।